ये आदमी कॉफी की ई कॉमर्स ब्रांड बना के आज साल का 90 करोड़ रुपए कमा रहा है। आखिर कैसे बताऊंगा, लेकिन आगे तो सुन लो। 2018 में इन्होंने अपनी कंपनी चालू की। पहले साल का रेवेन्यू था 22 लाख रुपए का। 2021 का इनका रेवेन्यू था लगभग 4.5 करोड़ रुपए का। 2022 का इनका रेवेन्यू था लगभग 23.5 करोड़ रुपए का। और अभी यानी कि 2023 में इनका रेवेन्यू है लगभग 90 करोड़ रुपए का। आखिर क्या है ऐसा जो एक नॉर्मल सी कॉफी को ऑनलाइन बेच के आज ये इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C ब्रांड बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत सेठी की, जिनकी कंपनी का नाम है रेज कॉफी। अब तक के रेज कॉफी ने लगभग 7.5 लाख लोगों को कॉफीज डिलीवर की है। इनके स्टार्टअप में विराट कोहली ने भी इन्वेस्ट किया है। इनकी कहानी से एक चीज तो पता चलती है कि भले ही प्रोडक्ट कितना भी नॉर्मल हो, अगर किसी पर्सन को ई कॉमर्स ब्रांड बनाना आता है, सही तरीके से चालू करना आता है, ग्रो करना आता है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट को लेके करोड़ों रुपए की कंपनी बना सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज बताऊंगा जो मैंने इस ब्रांड से सीखी है। सबसे पहली चीज कि किस तरीके से एक ई कॉमर्स ब्रांड को चालू किया जाता है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, किस तरीके से ई कॉमर्स ब्रांड को ग्रो किया जाता है, कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक ई कॉमर्स बिजनेस को, एक ब्रांड को ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज होती है, ये सारी चीजें जो ऐसी ई कॉमर्स ब्रांड्स यूज करती है आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहले पार्ट में, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। बिजनेस चालू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है प्रोडक्ट को रिसर्च करना और मार्केट को रिसर्च करना, और ये दोनों को साइड बाय साइड एक साथ रिसर्च करना। अक्सर लोग जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो मार्केट रिसर्च नहीं करते, वो ऐसा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जिसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं होता। और कई लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट की डिमांड खोज लेते हैं, लेकिन सही प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो है रिसर्च करना कि सही प्रोडक्ट क्या है और सही मार्केट क्या है। इंडिया में कॉफी का मार्केट लगभग $800 मिलियन का है और ये हर साल 10% से ग्रो हो रहा है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए एक ट्रिक है, आप सीधा जाइए expareto.com पे। यहाँ आपको वर्ल्ड में जितनी भी टॉप की ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वो दिख जाएगी। इसमें आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, क्यों ये वेबसाइट हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब एक बार आपका सही प्रोडक्ट और सही मार्केट मिलने के बाद दूसरा स्टेज है अपने प्रोडक्ट और मार्केट को टेस्ट करें, और ये टेस्ट होगा सोशल सेलिंग से। सोशल सेलिंग मतलब आप सोशल मीडिया पे ही पहले सेल करने की कोशिश करते हो ताकि आप देख सको कि रियली में इंडिया में उस चीज का मार्केट है कि नहीं है। अब ये करने का तरीका बहुत आसान है, आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पेज से चालू कीजिए और उसमें अपनी रील्स पोस्ट करिए। अगर लोग इंस्टाग्राम से देख के आपके प्रोडक्ट की स्पेशलिटी देख के अगर आपके पास रीच आउट कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिकली, तो मान लीजिए कि जब आप पेड एड्स चलाएंगे तो वहां से डेफिनेटली आपको सेल्स की रिजल्ट आ सकती है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ही अपने फीचर या अपनी क्वालिटी के कारण नहीं बिक रहा है तो मान के चल लीजिए जब आप पेड एड्स भी चलाओगे तो भी वो प्रोडक्ट को बेचना बहुत मुश्किल होगा। अब जब आप सेकंड स्टेज को क्रॉस कर लो और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो थर्ड स्टेप है अपनी खुद की ब्रांडिंग करना। इस स्टेज में आप प्रॉपर ब्रांड नेम सेट करते हो, इस स्टेज में आप प्रॉपर अपनी ब्रांड के कलर सेट करते हो, अपना लोगो सेट करते हो, अपनी ब्रांड की थीम सेट करते हो और सारी चीजें अरेंज करते हो, एक स्टोरी लाइन बनाते हो। प्रोडक्ट अपनी फीचर्स अपनी क्वालिटी से जरूर बिकता है, लेकिन आज की डेट में प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करने के लिए उसकी एक कहानी होना बहुत जरूरी है, उसकी एक स्टोरी लाइन होना जरूरी है। और अपना ब्रांड नेम सेट करने के लिए और छोटी सी स्टोरी बनाने के लिए आप ChatGPT का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आता है हमारा फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करना। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट होगी जब ही लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। और वेबसाइट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने एक पेज बना दी, एक वेबसाइट बना दी, नहीं, एक वेबसाइट ही आपका पूरा का पूरा बिजनेस होता है, आपकी प्रॉपर दुकान होती है। वेबसाइट पे 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको सेटअप करना है। सबसे पहली चीज है आपको वेबसाइट का स्टोर सेटअप करना है ताकि एक वेबसाइट बहुत अच्छी दिखे, अच्छी थीम हो उसमें। आप Shopify यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टम वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, हमारे खुद का भी एक वेबसाइट बिल्डर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट बिल्डर हैं, आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब एक स्टोर बनाने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना। पेमेंट गेटवेज क्या होता है, जब भी आपकी कोई वेबसाइट पे आता है और कोई पे करता है तो वो एक पेमेंट गेटवे खुलता है, उसमें पे करता है, उस पेमेंट गेटवे से आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है। इंडिया में बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे रेजर पे है, फोन पे है, कैश फ्री है, इंस्टा मोजो है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छी ट्रस्टेबल रिलायबल शिपिंग सर्विस का होना। इस शिपिंग सर्विस को भी आप अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हो ताकि अगर आपके पास वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आता है और आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर आपकी
शिपिंग सर्विस के पास चले जाता है और शिपिंग सर्विस वाला आपके वेयर हाउस में आता है, आपके प्रोडक्ट को लेता है और डायरेक्ट आपके कस्टमर को डिलीवर करता है। एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ट्रस्टेबल रिलायबल शिपिंग सर्विस हो। आज इंडिया में ये सिचुएशन है कि 20 में से एक ऑर्डर अपने कस्टमर्स तक के पहुंच ही नहीं पाते। 65% ऑनलाइन सेलर्स ये बोलते हैं कि लेट डिलीवरी की वजह से प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है और उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। 57% कस्टमर्स ना बैड डिलीवरी एक्सपीरियंस के कारण अवॉइड करते हैं उस सेलर से वापस प्रोडक्ट खरीदना, जबकि ना उसमें प्रोडक्ट की गलती होती है ना सेलर की गलती होती है, गलती होती है शिपिंग कंपनी की और लॉस होता है सेलर को। इंडिया में दोस्तों ई कॉमर्स के लिए बहुत सारी कंपनीज है, एक कंपनी है जो बहुत अच्छी है जिसके साथ बहुत समय से हम काम कर रहे हैं और ये है डिलीवरी। डिलीवरी इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। आप इनके प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइप की शिपिंग कर सकते हो, इंटरनेशनल शिपिंग कर सकते हो, डोमेस्टिक शिपिंग कर सकते हो, फास्ट एक्सप्रेस शिपिंग जो बोलते हैं वो कर सकते हो और तो और दोस्तों फ्रेट फॉरवर्डिंग भी कर सकते हो। डिलीवरी की जो सर्विस है सीमलेस है, एफिशिएंट है और एकदम रिलायबल है। दिल्ली से शुरू हुई थी कंपनी, आज 99.5% लोगों तक की अपनी शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर दी है। लगभग 26,500 से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, शिपिंग कर रहे हैं। अब आपका बिजनेस मॉडल छोटा है या बड़ा है, डिलीवरी आपके लिए एक परफेक्ट लॉजिस्टिक पार्टनर बन सकता है। अब डिलीवरी ने अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है डिलीवरी वन। यहाँ से आप डायरेक्ट कोरियर प्लेस कर सकते हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ या फिर अपनी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे आएगा जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीवरी के डैशबोर्ड में भी आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा और इनके कोरियर प्राइसेस 30-40 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं इनकी जो वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप खुद की ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो इनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके। अब दोस्तों एक वेबसाइट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है अपने कस्टमर्स को ट्रैक करना। इसके लिए आप फेसबुक का जो पिक्सल है, फेसबुक के कोड्स हैं, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं ताकि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे एक बार आए उनको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में बार बार आपकी एडवर्टीजमेंट दिखे। इस चीज को बोलते हैं फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन। ये जब आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लेते हो जब ही आपकी वेबसाइट पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं आप उनको ट्रैक कर पाते हो और वहीं से ही आपको सबसे ज्यादा सेल्स आती है। आखिरी स्टेप ये है कि आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बना के कंटिन्यूअसली अपने ऑडियंस को हुक रखना पड़ेगा। रील्स में दो चीज होती है, पहला होता है हुक जिससे आपका कस्टमर हुक हो जाता है, आपकी रील्स को पूरी देखता है, और दूसरी चीज उसमें होती है स्टोरी लाइन, एक कहानी जिसको अगेन आपका जो व्यूअर है वो पूरा देखता है। जब वो पूरी एक रील को देखता है, उसको शेयर करता है, सेव करता है, तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली आपके कंटेंट को, आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करता है। बूस्ट करता है तो वो रील हजारों लोग को दिखती है और कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनिक सेल्स होती है। इस सेल्स के लिए आप ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करते हो और बहुत कम पैसे में आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। यहाँ तक तो हो गई सेटअप की चीजें, अब बात करते हैं कि बिजनेस को ग्रो कैसे करें। ग्रो करने का जो सबसे पहला, सबसे नॉर्मल और सबसे कॉमन तरीका है वो है एग्रेसिव फेसबुक एडवर्टीजमेंट, जो हर ई कॉमर्स ब्रांड करती है। सिर्फ फेसबुक में ही नहीं, गूगल एड्स भी करती है और बहुत एग्रेसिवली करती है, लेकिन कन्वर्जन एड्स चलाती है। इसका भी एक फॉर्मूला है जो ब्रांड्स यूज करती है और ये फॉर्मूला है 30-70 रूल। 30-70 रूल का ये मतलब होता है कि 30% वो स्पेंड करती है नया ट्रैफिक लाने पे और 70% वो अमाउंट स्पेंड करती है कन्वर्जन पे। जब आप फेसबुक एड्स पे जाओगे ना, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स में क्लिक करोगे तो दो तरीके की आप एड्स चला सकते हो। एक तो है ट्रैफिक एड्स, जिसको आप रन करोगे तो बहुत सारे लोग आपकी ऐड देखेंगे और आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी ट्रैफिक आएगी, और दूसरी होती है कन्वर्जन एड्स। कन्वर्जन एड्स का मतलब होता है सेल्स एड्स, जिसको आप चलाएंगे तो जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आए उनको बार बार और एड्स दिखेगी और एट द एंड कन्वर्जन आएगा, यानी कि सेल्स आएगी। तो एक तरफ तो आप 30% इन्वेस्ट करके ट्रैफिक लेके आते हो और फिर 70% इन्वेस्ट करके उन्हीं ट्रैफिक से कन्वर्जन लेके आते हो। तो उसी जितने भी लोग आए हैं जो 30% जितना आपने खर्चा किया था, सपोज आपने 30% अमाउंट स्पेंड किया ट्रैफिक लाने पे, आपको 1000 लोग आए। अब उस 1000 लोगों में जब आप बार बार लोगों को ऐड दिखाएंगे तो हो सकता है कि 5% लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ले, यानी कि 50 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो ये होगा आपके कन्वर्जन एड से। तो ये दो तरीके की एडवर्टीजमेंट पैरेलली चलती रहती है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक मिड साइज का इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं। ये मिड साइज का मतलब ऐसा भी इन्फ्लुएंसर नहीं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत छोटे लेवल का है, ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसकी रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है, जिसको लोग जानते हैं। इस चीज को यूज करने के लिए आप ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। ट्रिंग एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप सेलिब्रिटीज को हायर कर सकते हैं ब्रांड प्रमोशंस के लिए। तीसरी सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी है अपने प्रोडक्ट को गूगल शॉपिंग सेंटर पे लिस्ट करना। अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी सर्च किया तो
कुछ इस तरीके की गूगल पे एड्स दिखती है, इसको बोलते हैं गूगल शॉपिंग एड्स। यहाँ से कोई भी क्लिक करके इजीली आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ये बहुत प्रॉफिटेबल एड्स होती है और यहाँ से बहुत अच्छी सेल्स आती है। चौथा तरीका दोस्तों मेरा फेवरेट है ग्रो करने का, और वो है रीटारगेटिंग करना व्हाट्सएप एड्स से। एक बार कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो व्हाट्सएप से आपसे कनेक्ट भी होता है। आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के डेटाबेस को कलेक्ट करके रीटारगेटिंग एड्स चलाना है, व्हाट्सएप पे एड्स चलाना है। ये आप इंटरेक्ट नाम के एक टूल से कर सकते हैं। हम इंटरेक्ट को यूज़ करते हैं, पहले भी मैंने इंटरेक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई थी। इस सॉफ्टवेयर से आप एक क्लिक के अंदर हज़ारों लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हो, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सेल्स निकल के आती है। आज की डेट में जितनी बड़ी ई कॉमर्स ब्रांड्स है ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज़ कर रही है अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए। पांचवा एक तरीका है दोस्तों, आप अपना खुद का रीसेलर प्रोग्राम या एक फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करो। ये भी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो आपके साथ जुड़ के आपका एक अफिलिएट पार्टनर बन के, आपका एक बिजनेस पार्टनर बन के वो आपके बिजनेस को ग्रो कर सके। कुछ कमीशन उनको भी मिलता है और आपके लिए भी सेल्स आसान हो जाती है, क्योंकि अब मार्केटिंग और सेल्स उनको करनी है। तो आप उनको एक रीसेलर बना देते हो या फिर अपने खुद का एक फ्रेंचाइज पार्टनर बना देते हो, और वो आपके प्रोडक्ट को लेकर के अपने वेबसाइट पे, अपनी दुकान में, अपने लोकल स्टोर पे सेल करते हैं। इससे दोनों का बेनिफिट हो जाता है और कहीं ना कहीं B2B मॉडल में आपकी एक हाई वॉल्यूम पे सेल्स होती है। अब दोस्तों जो सिक्स्थ तरीका है ग्रोथ का, ये आज की डेट में सारी ब्रांड्स यूज़ कर रही है, चाहे वो लेंसकार्ट हो, चाहे वो नायका हो, चाहे वो गीवा हो, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है वो इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रही है। और ये स्ट्रेटेजी है ओमनी चैनल ई कॉमर्स। ओमनी चैनल का ये मतलब होता है कि आप ऑनलाइन भी बेच रहे हो, आप ऑफलाइन भी बेच रहे हो। जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बेचते हो ना, जब ही आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एकदम प्रॉफिटेबल बना पाते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां मैंने देखी है जो शुरू में ई कॉमर्स लॉस में चालू करती है, लॉस करके अपना नाम हर जगह फैला लेती है, सब उनकी ब्रांड को जानने लग जाते हैं, और जब उनको प्रॉफिटेबल होना रहता है वो ओमनी चैनल पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अब अपना फिजिकल स्टोर्स खोलना चालू कर देते हैं। गीवा पहले ऑनलाइन से चालू हुआ, उसके बाद अब हर जगह फिजिकल स्टोर खोल रहा है। वैसे नायका पहले ऑनलाइन से चालू हुआ, फिर हर जगह फिजिकल स्टोर खोल रहा है। लेंसकार्ट पहले ऑनलाइन चालू हुआ, फिर हर जगह फिजिकल स्टोर खोलना चालू कर रहा है। ओमनी चैनल अगेन एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रोथ का। पैसा लगता है इसमें, लेकिन आप दोनों चैनल से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब दोस्तों जो सातवां तरीका है वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जानते तो हैं लेकिन आज भी यूज़ नहीं कर रहे, और वो है गवर्नमेंट से फंड रेज करना। आज गवर्नमेंट के पास इतनी सारी स्टार्टअप इंडिया के अंदर स्कीम्स हैं जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फाइट करोगे ना तो आपको अच्छा खासा फंड्स मिल जाएगा। हमको गवर्नमेंट से आज से लगभग 2 साल पहले 4.5 लाख रुपए का फंड मिला था। उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा था, बस एक प्रेजेंटेशन देना पड़ा था। वैसे ही गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के अंदर स्टार्टअप्स को फंड देती है। अगर आपने सही तरीके से पिच किया है तो ईजिली आपको बहुत सस्ते रेट में लोन भी मिल जाएगा और बहुत सारी जगह आपको फ्री में ग्रांट भी मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।